है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 8:40। बस अभी मैं जस्ट लैपटॉप छोड़ के ऊपर आया हूँ, क्योंकि अपलोड में कल का वीडियो में अपलोड में लगाया था रात से और अभी तक अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। इतना स्लो चल रहा है कि अपलोड 20% से ऊपर नहीं जा रहा है। 5-6 मिनट के बाद 1% बढ़ रहा है, तो ये जो वीडियो है कल का वीडियो वो थोड़ा लेट में आएगा। तो ठीक है, तो देखते हैं आज का कुछ प्लान करते हैं कहीं पे जाने की। चलिए जब तक वीडियो अपलोड होता है तो थोड़ा ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, और वीडियो तो अपलोड पे लगा दिया, देखते हैं कब तक अपलोड हो जाता है। और उसी टाइम में बस ब्रश करके फ्रेश हो जाते हैं। और आज प्लान बनाए हैं कि पंचुलिंग से जाएंगे, और चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा नहा धो के फ्रेश होते हैं, ब्रश करके चलते हैं पंचुलिंगेश्वर। फाइनली मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, बस अब जाएंगे थोड़ा पंचुलिंगेश्वर, क्योंकि मामू और मामी जो आए हैं वो कभी पंचुलिंगेश्वर नहीं गए, और इसलिए वो बोल रहे हैं कि थोड़ा घुमा के लाओ। चलते हैं उनको घुमा के लाते हैं पंचुलिंगेश्वर, दिखा के लाते हैं। चलिए अब चलते हैं पंचुलिंगेश्वर। टाइम हो रहा है 10:30, बस अब निकलते हैं, और जल्दी जल्दी भी आपस आना है, क्योंकि मामू और मामी आने के बाद घर जाएंगे, और इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं पंचुलिंगेश्वर। फिर हम तो पहले पंचलिंगेश्वर का वीडियो बना चुके हैं, यह एकदम छोटा सा वीडियो आप लोगों को दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, और देखते हैं पंचलिंगेश्वर में कितना पानी आई है। बस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पंचलिंगेश्वर। ये देखिए एकदम पहाड़ के नज़दीक, इतना सुंदर पहाड़ हमारा पंचलिंगेश्वर में, बस यहाँ से 200 मीटर दूर। चलिए हमारा पंचलिंगेश्वर में दो साइड रहने के लिए होटल्स, ये देखिए दो साइड होटल्स। बहुत अगर कोई बाहर से आता है, जैसे कि आउट ऑफ उड़ीसा से आता है, तो यहाँ से रहने के लिए एकदम कम पैसों में, कम खर्चा में और होटल वगैरह मिल जाता है, जैसे कि रात को 200-300 बहुत कम पैसा में मिल जाता है। इस साइड होटल और इस साइड छोड़ के आगे होटल, और ये पहाड़ के साइड की होटल, सारे जगह होटल बन चुकी है, एकदम कम पैसे से मिल जाता है रूम। बस आप लोग आइए एक बार और एंजॉय करिए हमारा पंचलिंगेश्वर का व्यू। ये देखिए पंचलिंगेश्वर में कितना लोग, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं उड़ीसा से बाहर। ये देखिए पंचलिंगेश्वर में आज बहुत लोग आए हैं, बहुत भीड़ भी है आज, बाहर से लोग आए हैं। ये देखिए कितना गाड़ी आया है, सब बंगाल का गाड़ी और बिहार का गाड़ी, बहुत ज्यादा लोग आए हैं पंचलिंगेश्वर में घूमने के लिए। ये देखिए आज पंचलिंगेश्वर में ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। ये देखिए कितने टूरिस्ट।
हम लोग अभी नीचे में हैं, बस यहाँ से हम जाएंगे 200 फुट ऊपर। आज पंचलिंगेश्वर में ज़्यादा क्राउड है, इसलिए ज़्यादा शोर भी हो रहा होगा। ये देखिए कितना लोग, सो मच क्राउड। वो श्रावण का महीना भी इतना भीड़ नहीं था, इसमें जितना भीड़ है आज बहुत सारा लोग आए हैं पंचलिंगेश्वर में। फाइनली हम जहाँ पहुँचने वाले थे बस वो पहुँच चुके हैं। यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होता है, ये देखिए मेन गेट, यहाँ से चढ़ेंगे सीढ़ी। आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़, कितना क्राउड है। थोड़ा पानी पानी पी लिया करो। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं जहाँ पे भगवान जी है, वहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को कितना पानी है। एकदम ज़्यादा तो पानी गिर रहा होगा ऊपर। पानी को देखो, फाइनली पहुंच चुके हैं पंचलिंगेश्वर का, पंचलिंगेश्वर शिव जी जहाँ पे विराजमान है वहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस सब चलते हैं नीचे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पंचलिंगेश्वर भगवान कहाँ पे है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, वहाँ पर पंचलिंगेश्वर भगवान वहाँ पर रहते हैं, बाबा पंचलिंगेश्वर। इतना जोर से पानी, इसलिए यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। यहाँ पे पानी का कितना आवाज आ रहा है देख रहे हो, एकदम बहुत ज्यादा क्राउड आवाज। ये सिर्फ भी पानी का है, बहुत ज़्यादा पानी इसलिए इसका आवाज़ जोर से आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग भी आए हैं यहाँ पे। ये जो गुम्फा था ना, ये हमारा नीलगिरि राजा किशोर चंद्र हरिचंद्र मद्रास, यहाँ से जाके पहाड़ के अंदर एक नदी है वहाँ पर शिकार करते थे जंगली जंतुओं को। तो ये यहाँ से रास्ता था, ये रास्ता अभी बहुत दिन पहले, जैसे कि 70-80 साल पहले की ये जो बंद कर दिया गया है। और अभी यहाँ पर
पूजा हो रही है। पंचलिंगेश्वर भगवान जी का दर्शन हो चुकी है, बस अभी हम नीचे उतर रहे हैं और घर जाने की तैयारी में है। चलिए नीचे चलते हैं। पंचलिंगेश्वर से आके घर पहुंच चुके हैं। एकदम बारिश में भीग गए थे और मैं कपड़ा हपड़ा चेंज कर लिया। ये देखिए एकदम भीगा भीगा पूरा भीग चुके हैं। रास्ते में आने के टाइम जोर से बारिश हुई और रास्ते में खड़ा रहे थे और अभी अभी पहुंचे हैं। बस चलिए लंच करते हैं। लंच में आज बनी है दाल चावल, खाते हैं मस्त। लंच में बनी है दाल चावल, ये भिंडी आलू भजा, चलिए खाते हैं मिलकर। मामी तो बैठ चुके हैं खाने के लिए। फाइनली अभी मामू और मामी अभी घर के लिए निकल रहे हैं और ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। हाँ तो मम्मी जी जान तो नो बापी वाला घर बापू सोई थी तो तेरे को पकड़ नहीं जो ये सोई पड़ रहा हमारा घर एकदम खाली खाली लगेगा क्योंकि सारा मेहमान चले गए आज। फाइनली टाइम हो रहा है रात को 10:20। बस अभी डिनर करते हैं। डिनर में बनी है रोटी और आलू मटर की करी और खाते हैं और एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।